अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं, क्या हाल है, आप सब ठीक होंगे उम्मीद है। तो आज मैं रेशमी टिक्का बनाना सिखा रही हूँ, चिकन टिक्का। तो उसके लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले तो हमें चिकन चाहिए, ऐसे क्यों बड़े बड़े, ये देखिए। तो ये तकरीबन आधा किलो होगा। इसके लिए हमें ये दही चाहिए जिसमें पानी बिल्कुल ना हो, लीमू चाहिए, इसका रस चाहिए, 1 टीस्पून चाहिए अदरक, 1 टीस्पून पेस्ट चाहिए सुरख सब्ज़ मिर्चों का और अदरक का 1 टीस्पून। अच्छा, मसालों में चाहिए 1/2 से 1/2 टीस्पून सफ़ेद मिर्च, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून ये है चिकन पाउडर और नमक हसबे जायका और थोड़ा सा टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला और थोड़ा सा ही बिल्कुल 1/2 से 1/2 गरम मसाला। और ये बादाम का पेस्ट मैंने बनाया है, पाउडर बनाया है, तो ये डलेगा 1 चम्मच। और ये क्रीम चीज़ डलेगी और चाट मसाला डलेगा, ऑयल डलेगा और थोड़ी सी क्रीम, अगर वो दूध के ऊपर जो फ्रेश क्रीम है अगर वो है तो वो डाल लें, वो सबसे अच्छा है। और इन स्टिक पे मैं बनाऊँगी, ठीक है। तो ऑयल भी चाहिए, ऑयल ऊपर लगाने के लिए ना ये ब्रश चाहिए। तो चले मैं शुरू करती हूँ और इसे मैं बनाऊँगी ओवन में, तो देखें कैसे बनते हैं, आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो इसको मैं मैरिनेट करके रखती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसे मैरिनेट करूँगी, तो इसमें से बिल्कुल पानी निकाल देना है। सबसे पहले डालने ये मसाले, और 1 चम्मच बादाम का पाउडर, और ये दही बिल्कुल, इसका पानी बिल्कुल ना हो, ये देखिए क्रीम, दो चम्मच क्रीम डालें। और अब इसमें डालेंगे क्रीम, यह है चीज़ क्रीम, यह है 1 चम्मच। अच्छा, अभी डालेंगे चाट मसाला, थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 टीस्पून, और ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे, और ये ऑलिव ऑयल तकरीबन 1 टीस्पून, ये हो गया। अब डालेगा इसमें लीमू, में डालेंगे लीमू जितना रस हमें चाहिए होगा, खट्टा ना हो जाए क्योंकि आपने बहुत खटाइयाँ डाली हैं इसमें, ये देखिए बस इतना ही काफ़ी है। तो इसको हमने मिक्स करके तो इसमें अभी मैंने कॉर्नफ्लोर भी डालना है, लेकिन थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा ये मैरिनेट हो जाए उसके बाद। तकरीबन देखती हूँ कितना डलता है, उस हिसाब बंदे को पता चलता है। तो आप भी बनाएं, बहुत मज़े का है। तो अभी मैं इसको ना रख देती हूँ मैरिनेट होने के लिए तकरीबन आधा घंटा। धनिया और कॉर्नफ्लोर मैंने जब इसको बनाऊँगी इस वक्त डालूँगी, ठीक है। तो अभी ये अच्छी तरह आधा घंटा या 1 घंटा आप रख दें, इसमें जायका, अरोमा, सब कुछ जो जो चीज़ें हैं हमारे पास।
जब हीट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तो उसके पहले मैं ये तैयार कर लूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ओवन गर्म होता है तो हम लोग ये कर लेते हैं। इसमें डालूंगी कॉर्न फ्लोर, ये मैंने नहीं डाला था, मैंने एड में डालना था। तो ये है हरी, ये धनिया। अच्छा, इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ये देखें, अब जितना मसाला है ये सारा कॉर्न फ्लोर की वजह से बूटियों के साथ चिपका रहेगा। तो इसको मैंने ऐसी ट्रे रखी है, देखें ट्रे, इसके ऊपर ये ओवन की जाली रखी है और इस पे मैं बना के रखी जाऊंगी। तो अपनी स्टिक देखिए, ये स्टिक की मैंने धोई है, उन पे हम चढ़ा देते हैं इनको, टिक्कों को। देख ले कितनी आप एक पे चढ़ा सकते हैं। तो जितनी बाजार में होती है ना, इसी तरह हम करेंगे। डाल देंगे, ठीक है। ये दो बज गए थे, चलें। चिकन हमारा थोड़ा कम था, चलें कोई बात नहीं। वेट करूंगी, इसके बाद चेक करेंगे। चेक करते हैं नाज़रीन, अभी 30 मिनट में चलिए थोड़ा सा ऑयल देखती हूँ इसके लगा के। इसमें बंद कर, 5 मिनट और देखना। तो नाजरीन हमारी रेसिपी हो गई है तैयार। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टिक्के बने हैं, मलाई टिक्का, या आप इसे रेशमी मलाई टिक्का कह सकते हैं। तो ये है ही मलाई टिक्का। तो इसके साथ चटनी और इसके साथ तंदूर की रोटी, तो ये बहुत मज़ा करेगी। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और Facebook ग्रुप को ज्वाइन करें, इंस्टा को भी फॉलो करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई रेसिपी आपको नज़र आए। तो ऐसे ही मज़ीद अच्छे खानों के लिए इंशाल्लाह मैं दोबारा हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।